वामपंथ विचारधारा देश के लिए इतना खतरनाक है कि भारत में ही एक और देश बनने को तैयार है। कम्युनिस्ट केरल भारत का क्यूबा बन गया है, जहां आदि शंकराचार्य को नहीं बल्कि चेग्वेरा को रोल मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है। केरल आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है और लगातार हिंसक भी होता जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो केरल अपनी पुरानी भारतीय सनातन और वैदिक संस्कृति से दूर किया जा रहा है, साथ ही भारतीय संस्कृति को बदनाम करने और नष्ट करने की कोशिश भी हो रही है। यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। केरल क्यों भारत का क्यूबा बन रहा है, एक और उदाहरण सितंबर 2020 की घटना से समझिए। केरल सरकार की अलग ही दुनिया है, इसका खुलासा आरटीआई से हुआ। केरल की राज्य सरकार ने क्यूबा के क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो की याद में लाखों रुपए खर्च कर दिए। हैरानी की बात यह थी कि सरकारी विभाग ने इतना भव्य आयोजन आम जनता के रुपयों से कराया। आम जनता के पैसों की बर्बादी का खुलासा कोच्चि के रहने वाले गोविंदन नंबूथिरी द्वारा दायर की गई आरटीआई के जवाब में हुआ। आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक राज्य सरकार ने क्यूबा के नेता की याद में लाखों रुपए एक विशालकाय आयोजन तिरुवंतपुरम स्थित विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कराया। इस आयोजन को आवश्यकता से ज्यादा बड़ा बनाने के लिए राज्य सरकार ने जो किया उसका जनहित से कोई सरोकार नहीं था। इस आयोजन के विज्ञापन में लगभग 26.7 लाख रुपए भी खर्च कर दिए गए। खबरों की माने तो यह पहला मौका था जब केरल की राज्य सरकार ने किसी समारोह में इतने बड़े पैमाने पर खर्च किया। पूरे राज्य के लगभग 70 समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। विज्ञापन में फिदेल कास्त्रो की तस्वीर पहले पन्ने पर छपी हुई थी। और सुनिए, केरल सरकार के उत्पीड़न से तंग आकर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बच्चों के कपड़ों के निर्माता काइटेक समूह ने केरल में 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को वापस ले लिया। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली राज्य की वामपंथी सरकार की प्रताड़ना से तंग आकर कंपनी ने यह फैसला किया है। केरल में अपराध भी बढ़े हैं। केरल मॉडल ने राज्य को महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आंकड़े आपको चौंका देंगे। 23,000 से ज्यादा छेड़छाड़, 10,000 से ज्यादा बलात्कार, 6,000 से ज्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म, 75,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ और 20,000 से ज्यादा बच्चों के खिलाफ संज्ञेय अपराध, गंभीर अपराध। केरल जो साक्षरता की डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, यहाँ की युवा उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पाए जाते हैं। ये है केरल के हालात और राज्य की असली हकीकत। केरल मनमानी का दूसरा नाम बनता जा रहा है, एक और देश बनता जा रहा है क्यूबा। भारत में क्यूबा का जन्म हो रहा है। लोकतंत्र के मजाक का उदाहरण बन रहा है केरल, जहाँ लोकतंत्र को एक बार नहीं बल्कि कई बार शर्मसार किया जा रहा है। केरल देश का एक राज्य है जो भारत के संविधान से चलता है, तो जाहिर है केरल को भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना होगा, न कि किसी राजनीतिक दल की निरंकुशता चलेगी।